दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव जीतने के लिए तगड़ा मैनेजमेंट सजाया था। सामने कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली साध्वी प्रज्ञा थी तो दिग्विजय सिंह ने भी बाबाओं की फौज खड़ी कर दी और हजारों बाबाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा ने भोपाल में 5 क्विंटल मिर्ची के साथ हवन किया था और दिग्विजय की जीत का मंत्र फूंका था, लेकिन ना तो बाबा का हवन काम आया और ना दिग्गी का मैनेजमेंट। मिर्ची बाबा ने तो ये भी वादा कर दिया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए तो वो समाधि ले लेंगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद कई दिन तक मिर्ची बाबा गायब रहे। जब कई दिन के बाद आए तो लोगों ने समाधि पर सवाल पूछा और बाबा ने पलटी मार दी और अब ज्यादा दबाव बना तो मिर्ची बाबा ने नाटक फिर से शुरू कर दिया है। एक बार फिर मिर्ची बाबा ने ढोंग किया है। मिर्ची बाबा अब लोगों से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंच गए हैं और FIR दर्ज करवा दी है। मिर्ची बाबा का कहना है कि लोग लगातार उन पर फोन करके दबाव बना रहे हैं कि वो समाधि ले ले। अब मिर्ची बाबा ने वादा किया था तो उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए, लेकिन बाबा तो बाबा है जो लोगों से भागे भागे फिर रहे हैं। उधर BJP कमलनाथ सरकार पर ये कहकर हमला कर रही है कि कांग्रेस ढोंगी बाबाओं को राज्य में बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।